आज मैं बनाऊंगी परवल की रेसिपी, जो कि मैं भरवा परवल बनाऊंगी। और अभी इसका सीजन है और अभी तो बहुत ज़्यादा मिलता है ये, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और हमारे यहाँ पे इसका जो भरवा बनता है इसी तरह से बनता है जैसे कि आज मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया है परवल, और ये फ्रेश है। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने ताज़ा परवल लिया है, और ये थोड़ा सा लंबा लंबा टाइप का जो होता है ना, गोल गोल टाइप का, जिसमें कि अंदर थोड़ा सा जगह हो, तो उस तरीके से। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्किन निकाल लेते हैं। इसका सिर्फ ऊपर वाला ही स्किन निकालना है, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, मोटा सा ये पतला वाला स्किन निकालना है। और इस तरीके से मैंने देखिए सबको छील लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी में डाल रही हूँ ताकि ये धुल जाए। जो छोटा छोटा स्किन है इसका, वो उसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो ये धुल ही जाएगा साथ में। तो देखिए इस तरीके से मैंने पानी में डाल के और बहुत अच्छे तरीके से इसको धो लेना है, और एक एक करके ऐसे हाथ में लेके धोना है ताकि ये बहुत अच्छा से क्लीन हो जाए। और इस तरह की रेसिपी आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये जो भरवा परवल होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, और अभी सीजन है तो और भी फ्रेश मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे परवल को धो लिया है और एक प्लेट में रखा है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो इसका दोनों साइड का ये है ना, उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि इसमें डंठल लगा होता है और उधर साइड का जो पार्ट होता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे सबको इस तरह से कट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, बीच में से एक छोटा सा इस तरीके से चाकू से चीरा लगाना है, और दोनों हाथ को बाइंड करके धीरे से हल्का हल्का इसको दबाना है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फट गया है, और बीच में जो इसका पल्प है ना, गूदा जो होता है, उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो सारे परवल का मैंने इसी प्रोसेस से सबको निकाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसमें प्रेस करेंगे ना तो वो ज़्यादा फट जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में धीरे धीरे करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सबको खाली कर लिया है अंदर से, और इतना सारा बीज इसमें से निकला है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैन चढ़ाऊँगी, और यहाँ पे अभी एक हमें मसाला तैयार करना है। तो मसाले में मैंने लिया है धनिया और जीरा और काली मिर्च और रेड चिली। तो इन सबको मैंने अभी थोड़ा सा भूनना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे भूनेंगे इसको, और थोड़ा धीमी आंच में धीरे धीरे भूनना है इस तरीके से। और इस तरह से भून के डालेंगे ना, तो इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है, सौंधापन आता है। तो मसाला भून चुका है, और थोड़ा सा इसको हल्का ठंडा कर लिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी को डाला है मिक्सर जार में। और अभी इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाना है, और ये हमारा देखिए रेडी हो गया मसाला। और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो चलते हैं कढ़ाई में, अभी एक कढ़ाई लिए हैं और इसमें अभी मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, और मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ जो है ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप जो ऑयल खाते हैं वही डालिए, हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा हींग डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है, और वो चटक जाएगा, तो मैंने यहाँ पे अनियन डाला है। तो अनियन को अभी हमें भूनना है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे हम अभी, तो इसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो देखिए इस तरीके से मेरा अनियन भी यहाँ पे भून चुका है, और अभी हमें डालना है मसाला जो मैंने रेडी करके रखा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाला को भी डाल दिया है, और साथ में इसका जो जार में थोड़ा सा मसाला था उसमें पानी डाल के भी मैंने थोड़ा सा धो के दे दिया है। और साथ में जो ये पल्प है परवल का जो मैंने निकाला था बीच में से, तो पल्प को डाल के और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और हल्दी तो मैंने पहले ही डाला था। तो इन सबको अभी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और अभी एक ढक्कन लगा के इसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है, और इसका जो साइड से देखिए थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज हो रहा है। तो अभी यहाँ क्या करना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने नहीं डाला था पहले, तो अभी बाद में डाल के इसको 5 मिनट और भूनना है। तो 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से देखिए भून गया है, और कलर पूरा बिल्कुल ही डिफरेंट इसका अलग हो गया है। तो ये बहुत बढ़िया से भून चुका है, तो चलिए इसको अभी एक प्लेट में निकालते हैं, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको गरम डालना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए गरम को थोड़ा सा ठंडा हुआ, लेकिन फिर भी ये गरम था, तो यहाँ पे एक स्पून की मदद से इसके अंदर जो परवल के अंदर जितना मसाला है, जितना इसके अंदर आएगा, तो उसको हमें डाल के इस भर देना है।
तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे भर रही हूँ, आप भी इसी प्रोसेस से भरिए। अगर आप हाथ से करेंगे, हाथ गंदा करना चाहते हैं तो हाथ से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पून से ही डाल दिया सारे मसाले को अंदर, और मेरा उतना सा ही मसाला में और भी मसाला देखिए बच ही गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मसाला बन गया था। आप राइस और दाल के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रेडी हो चुका है भर के, और यहाँ पे अभी ऑयल डाला है एक पैन में, और यहाँ पे थोड़ा सा ये गरम हुआ है ऑयल, और अभी परवल को डाल देंगे, और साथ में ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इसलिए कि इसके कवर में हम नमक नहीं डाले हैं, वो मसाला में नमक है, इसके कवर में नमक नहीं है, और कलर के लिए हल्दी और रेड चिली पाउडर है। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तीखा वाला नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सबको मिक्स कर दिया है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में ये लिपट चुका है, और अभी ये इसको क्या करना है कि एक ढक्कन लगा के इसको उलट पलट के बहुत अच्छा से पकाना है, क्योंकि ढक्कन लगा के पकेगा भी ये, और बीच बीच में हमको पलटते रहना है। तो इस प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है इसको पकाने में। तो देखिए 15 मिनट बाद कुछ इस तरीके से हुआ है, मैंने उलट पलट के पकाया है, और जिस साइड से नहीं पका है मैं पलट दे रही हूँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो 5 मिनट मैंने बाद में और पकाया, और 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से देखिए मेरा रेडी हो चुका है, और बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो इस तरीके से मेरा हुआ है, और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यमी बना था। मेरा मानिए एक बार बना के बहुत आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब आप भी ज़रूर बनाइए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के